पूछ रहे थे यार, तुम मुझसे यहाँ उस लड़की का नंबर मांग रहे थे। आप तो बहुत प्रोटेक्टिव लड़की थी। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? Assalamualaikum बकायर आले, welcome to my YouTube channel IST Vlogs। तो नए दिन के साथ नए व्लॉग की आगाज करते हैं, और हमारे व्लॉग में कावा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। धोबी जाते हैं उमर नेक की तरफ और देते हैं ऑर्डर कावे का और पीते हैं कावा। उसके बाद आपको बताते हैं कि आज के सीन हालात और वाकियात क्या हैं। सग हो रहे नेक साहब, कावा इश्ता करा पीछे से आ गया है। उखाया सग सग गए। क्या देख क्या रहा था इधर? वैसे इधर क्या है? देख रहा था मैं। अरे तूने मेन चीज तो छुपाई हुई है वहाँ पर। क्या छुपाया? चल ना कावे के लिए जा रहे कि नहीं? किधर है? नहीं को कम करना, आ जाएगा। उसका क्या है? और क्या 300 सीटों पे इमरान खान खड़ा होगा। अकेले इमरान खान 300 सीटें जीतेगा। अगली दफा मैं खड़ा होता हूँ, तू और मैं खड़े होते हैं ज्यादातर। अब इसके अंदर ये चीज़ है कि सीटें 5 होंगी लेकिन असेंबली में एक बंदा जाएगा। ये जीता तो वही है ना, और किसी उसके अलावा ये किसी को और को दे नहीं सकता। तो अभी मैं आया हूँ छत पर कपड़े उतारने, क्योंकि आज धुले हैं कपड़े। तो ये है राउंड 2, पहले भी लेकर गए हैं, अभी फिर ले जा रहे हैं कि बाद लगाएंगे राउंड 3, पर शायद वो मैं ना लगाऊं, देखते हैं। सर लेना एक साहब सलाद, सलाद मत वाला वो लेना है, बर्गर ले आज भी आई पी बर्गर। ये बर्गर हाँ ना, बर्गर पे आज का डिस्काउंट चल रहा है 20%। ओहो मालिया, दुनिया की हर चीज़ देख रहे हो, लेता नहीं है। पांच वाले पापड़ लिए, बजट में यही है अली बर्गर। कभी कभी बर्गर होता है, कभी कभी ये होता है। आज हो जाए ना बर्गर, उस दिन खाया ना यार। किस दिन? उससे क्या वो तो अपने अपने से खाया ना, आज तू खिला अपने अपने, आज तेरी बारी है। सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। किधर के प्लान्स हैं आपके? जिधर अल्लाह ले जाए। कोई प्लान व्लान मैंने आपके स्टोरी में देखा था, इसलिए पूछ रहा हूँ। यार हम लोग जा रहे हैं, सब यहाँ से उठता हूँ, मैं वेट कर रहा था यहाँ पर कि बैठक खुले। हम लोग जा रहे हैं उधर अयूबिया। वाह वाह, किस सबक करो, सबक करो, एक मिनट बंद कर दिया। क्योंकि सास भी सास किधर है? इधर तुम हो ना, ये देखो मोड़ो। सास तो नहीं हुआ है। अच्छा अभी बता ना जो पूछ रहा था मैं। क्या पूछ रहे थे यार? तुम मुझसे यहाँ उस लड़की का नंबर मांग रहे थे। कौन सी लड़की यार? कौन सी लड़की? हाँ यार कमिटेड है, बहुत बुरी बात है। अच्छा नहीं करते, ये गली मोहल्ले की बात है, अपने नंबर मांग रहे हो आप। गली मोहल्ले में? ये तो गली मोहल्ले का नहीं है, जो भी है अपनी मेरी गली है कि नहीं है। अच्छा होगी शायद, पराया बना दिया। अयूबिया किस चक्कर में जा रहे हो सर, ये बताओ। यार ट्रिप है वहाँ पर, जाते हो? मुझसे बताओ तो सही ना, क्या है क्या नहीं है। यार 3 days का ट्रिप है और बस EDM सीन है वहाँ पर पहाड़ों में। वो लड़की भी जा रही है, इसका नंबर मांग रहे। बस फिर डन कर दो। सही है, लाओ 5,000। तो बहुत करोड़ निकले यार। हाँ आप तो बहुत करोड़ निकले, लड़की के लिए आप जाओ। तुम्हारा कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? सर जी हम तो आ गए ना सूप के लिए। हाँ किसके लिए? सूप सीन वाव पे सूप पियो। आप कौन, कितने के ले रहे हो सर? ये आपके लिए 200 की रैली है, आप खाते रहो। ये 200 के हैं? हाँ सेंटोरस में लिए, सेंटोरस से लिए। फिर रहे चौकवारे में, कह रहे सेंटोरस से लिए। ये हमारे लिए सेंटोरस है, ये हमारे सेंटोरस से कम नहीं है हमारे लिए। सलाम वालेकुम सिंह नेक साहब, सूप रागा ले दे। सूप लगो खाएगा ना? चिकन कारन, चिकन कारन, चिकन कारन आगा बकरे राजी सन वेजिटेबल ना ना बस आगा भाई 100 राजी 5 शुरू की हां बोल बोल दे। सादा 80 अंडी 100 रुपए जोर रेट देना।
मुंह ने बस जोर तो जोर चिकन पकड़ा डबल यार अच्छा ना ना बुरा था यार आने वाला सादा सादा आहा हम मजेदार चिकन में बनवा जाओ सिंगे दे सूप ने का मजेदार डेरा मजेदार दी मजेदार मजेदार ने भी जान से डकी भाई बनाए इस तरह मजेदार मजेदार क्या कर रहा है कि क्या है इसकी बताओ ठीक है मैंने भी बोला है मैं तो चीज इन्फॉर्म कर जाऊंगा इन्फॉर्म मैं कहूंगा मैं घर पे ही नहीं हूं मैं तेरे अंदर घर में घुस जाऊंगा क्यों घुस जाऊंगा मैं कहूंगा लेगा भाई मैं इसको जानते ही नहीं हूं पहले सब छोड़ यार अपनी स्कीम बता ये ऑफर ले आएगा मैं आधा दर्जन केले ले आऊंगा और तू घर में शेक बना ली बस नहीं यार मेरे को अमरूद के ये चीज लगती है बस बस ये चीज लगती तेरा लगती है तेरा क्या लगता है इस मौसम में इसका अब लेके मैं देख 50 में कल अमरूद नहीं मंगवाए थे अमरूद भी कल मंगवाए थे इसने पेटी इसके लिए कहां से मंगवाई थी साहिवाल से आई है साहिवाल में नहीं कॉर्ड से आते हैं अमरूद आज कावा मारे बनता है क्यों बनता है वजह हमें कावा चाहिए तो शॉट हो गया बहुत कुछ चाहिए बहुत कुछ मांग रहे हैं इंसाफ वाली बात ये थी इंसाफ असल में वो इलेक्शन को भी प्रमोट कर रहे हैं ये इंसाफ वाली बार में कभी भी इसका इंसाफ नहीं होता ये नहीं कि कभी खुद पिला दो गिरा दो बस ये खिलाएगा ये पिलाएगा मैं सही कह रहा हूँ अगर तूने कवाली शुरू कर ली इस तरह लोग उठ उठ के जाना शुरू कर देंगे उस तरफ उसकी तरफ उन्होंने ऐसे पैसे मैंने मंजूर है तुझे क्या नहीं तेरे 25 लाख में हमारी रंग रंगरली अच्छा बात सुनो वैसे तेरी पूरी शादी का बजट कितना है 1 करोड़ 25 लाख तो देख खाली कवाली 1 करोड़ एक मेरे से पूछना 1 करोड़ 1 करोड़ 7 करोड़ सात करोड़ किधर शादी करनी है यूरोप में नहीं सरीना सरीना डायरेक्ट इस्लामाबाद सर जी कहाँ से आ रहे हैं मैं अली के साथ गया था उसकी फैमिली भी थी शादी पे गए थे खाना वाना खा लिया हाँ यूजुअली बहुत ज्यादा खाता है ना मैंने सोचा यार आज जो है ना आज ये जो खाने की जो वो नहीं होती क्या नाम है यार बाउल जो होते हैं मैं सोच रहा था यूं करके पूरा मुंह पर खोल के पूरा डाले गंदा पर इस जनाब ने बहुत थोड़ा खाया आज अब तू बता एक तो खाना खा लिए फिर कहते हैं मैं मोटा हो रहा हूँ मैं मोटा हो रहा हूँ जब खाना इतना खाएगा मोटा नहीं होगा जब मैं खा लिया मेरी प्लेट देख रहे चिकन पीस पड़ा कह रहे चिकन पीस मंगाना मैंने कहा अलका छोड़ दे तो वो चिकन पीस खत्म हो गए कबाब 2 पीस डाले फिर चिकन पीस 2 डाले वो भी खा लिए चावल 1 प्लेट खा लिए कह रहे दूसरी प्लेट भी मुझे डालूं कि ना डालूं मैं क्या डालते हैं डाल नहीं डाले तो मत डाल सॉलन भी डबल डबल हो तो भर भर के डाले और फिर कहते हैं खीर की प्लेट फिर कहते हैं खीर की प्लेट खीर भी इतनी डाली है मीठा फिर कहते हैं मैं डाइट पे हूँ खीर के ऊपर जो मीठा डालते हैं ना मीठा उसको सालन समझ के रोटी के साथ खा रहा था ये खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया यार ये वो मीठा आलू बुखारे इतने बड़ा झूठ बोले इतने बड़ा झूठ मुंह में रख के चबेड़ मुंह में ये क्या कर इन दोनों ने तो शादी का खाना खाया और मैं खाना ही खाए बगैर कावा पी रहा हूँ सर तो आपको सर किसने कहा शादी में ना जाओ आपको हमने कहा शादी में चलो आप हमारे इधर किसान सर शादी में लिखा था कि एक बंदा है मैं कैसे पूरी फैमिली को ले जाऊं आज के ब्लॉग में इतना ही था मिलेंगे आप लोगों से अगले ब्लॉग में मतलब कल क्योंकि हम करते हैं डेली ब्लॉगिंग तो मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना अल्लाह हाफिज़